क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 3.4, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों कर देना। सवाल में हमें करना है थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कौन से वो फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, किसके सिक्स और एट के। मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी कि उसी की जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। थ्री की टेबल क्या होती है, थ्री की मल्टीपल होती है। टू की टेबल टू की मल्टीपल होती है। टू की टेबल का मतलब जो टू मल्टीप्लाई वन, टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई नाइन, टू मल्टीप्लाई टेन, टू मल्टीप्लाई इलेवन, टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी। ये नहीं है टू की टेबल ट्वेंटी पे ख़त्म होगी तो उससे आगे मल्टीपल नहीं होंगे टू के। तो हर नए नंबर से टू से मल्टीप्लाई कर जाओ, न्यू मल्टीपल मिल जाएगा। तो हमें पहले हम क्या निकालेंगे, हम मल्टीपल ऑफ सिक्स निकालने पड़ेंगे। मल्टीपल ऑफ सिक्स, मल्टीपल ऑफ सिक्स किस कौन से होंगे, सिक्स की टेबल लिख दो। सिक्स की टेबल आ गई, पूरी सिक्सटी तक आ गई। मल्टीपल ऑफ किस क्या लिखनी है, मल्टीपल ऑफ एट लिख दो। एट की टेबल लिख दो। ठीक है ना, अब इसमें क्या करने का, कॉमन निकालने हैं। तो कोई सिक्स है, एट है ट्वेल्व है, सिक्सटीन है एटीन है, सिक्स ट्वेंटी फोर, एक ट्वेंटी फोर आ गया, ट्वेंटी फोर आ गया, इधर ट्वेंटी फोर आ गया। ठीक है ना, तो अब हमें निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ सिक्स एंड एट आर। नंबर पहला कौन सा था, ट्वेंटी फोर। फिर आता थर्टी, इसमें थर्टी नहीं थर्टी सिक्स है, इसमें थर्टी सिक्स नहीं फोर्टी टू है, इसमें फोर्टी टू है फोर्टी एट। दूसरा कितना आ जाता है, फोर्टी एट। तीसरा फिफ्टी फोर, इसमें फिफ्टी फोर नहीं है, इसमें सिक्सटी, इसमें सिक्सटी फोर है। यानी कि इससे सिक्स की टेबल और भी आगे लेंगे, इसमें सिक्स और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्सटी सिक्स हो जाएगा। इसमें सिक्स और ऐड करेंगे तो सेवेंटी टू हो जाएगा, और सेवेंटी टू आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमन क्या हो गया, मल्टीपल्स होगा किसके है, सिक्स एंड एट के। इसी तरह हम इसके बी पार्ट के हम मल्टीपल निकालेंगे। बी पार्ट के लिए हम किस तरह निकालेंगे, बी सबसे पहले मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व लिख लेंगे। मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व क्या होंगे, ट्वेल्व की टेबल होगी। ठीक है ना, वो आपको आती होगी, लिख लेना। फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफ 18 लिख लेना। ठीक है ना, अब इसमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन आर कौन कौन से हैं, पहले देखो ये ट्वेल्व नहीं है, ट्वेंटी फोर भी नहीं आ रहा, थर्टी सिक्स आ गया। दोनों में थर्टी सिक्स है, सबसे पहले तो थर्टी सिक्स ही आता है। फिर 48 नीचे वाले में नहीं है, 60 भी नीचे नहीं, 72 दूसरा 72 आ जाता है, वेरी गुड। फिर 84 नहीं है नीचे, 96 भी नहीं है नीचे, 108 तीसरा कितना, 108। तो इससे आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं देती। ये तीनों कॉमन मल्टीपल हो जाते हैं किसके, 12 और 18 के। ठीक है, ये सवाल हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर इसमें फर्स्ट थ्री लिख रहे हैं, अगर फर्स्ट टेन लिखने होते हैं,
थ्री की जगह लिखा था टेन कॉमन मल्टीपल लिखने, फर्स्ट टेन। तो ये हम टेबल कितनी लंबी लिखते रहते हैं, बहुत लंबी लिखते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना था। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, थोड़ी सी लिखनी जो फर्स्ट मल्टीपल, जैसे 36 आ गया, ठीक है ना, तो 36 साइड में लिखना, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, फिर 36 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से लिखनी है, 36 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है, 36 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी है, इसी तरह करते जाना है। 36 की 2 से मल्टीप्लाई कितने तो 72 आ जाएगा, 3 से करेंगे 36 18 और 3 9 1 10 आ जाएगा, और 4 से करेंगे इसी तरह, यानी कि पहला मल्टीपल पता होना चाहिए, जैसे 12 और 18 का पहला मल्टीपल पता चल गया 36, वो उसके बाद 36 ही टेबल चलेगी। टेबल का मतलब पहले 1 से मल्टीपल, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, ठीक है ना। तो जब ये पहला मल्टीपल मिल जाए, अगला मल्टीपल के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे मल्टीपल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चौथे मल्टीपल के 4 से मल्टीप्लाई करो, पाँचवें मल्टीपल के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है, ओके।